क्लास जूनियर ज़ारा उर्दू की अमली कॉपी। इसका होमवर्क आप लोगों को पेज नंबर 12 तक दिया जा चुका है। नेक्स्ट पेज आप लोगों का है पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पे है हुरफित, हुर्फ हुरूफ की आदि और मुकम्मल अशकाल पर हाथ फेरिए। हुरूफ की आदि और मुकम्मल अशकाल पर हाथ फेरिए। यहाँ पे हुर्फ तहजी की आदि अशकाल और पूरी अशकाल दी हुई है आप लोगों को। आदि अशकाल और पूरी अशकाल आप लोगों को पहले भी पढ़ाई जा चुकी है। सिंपल आप लोगों को इस पर सिर्फ ट्रेसिंग करना है। यहाँ पे ट्रेसिंग हुई हुई है, डॉट डले हुए हैं, आप लोगों को इसके ऊपर ट्रेसिंग करनी है। बिल्कुल सफाई से ट्रेसिंग करेंगे। ये देखें, ये है बे की आदि अशकाल और ये है बे। बिल्कुल सफाई से ट्रेसिंग करनी है। उसके बाद है पे, पे की आदि अशकाल और पूरा पे। उसके बाद ते की आदि अशकाल, ते के ऊपर दो नुक्ते और ये पूरा ते। इसी तरह पूरे पेज पे आप लोगों को ट्रेसिंग करनी है। बे से लेकर जहाँ जिन जिन हरूफ की आदि अशकाल होती हैं वो लिखी हुई हैं आदि अशकाल, और उनकी पूरी अशकाल भी लिखी हुई हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा है। बे की आदि अशकाल, पे की आदि अशकाल, ते की आदि अशकाल, टे की आदि अशकाल, से की आदि अशकाल, जीम की आदि अशकाल, चे की आदि अशकाल, हे की आदि अशकाल, खे की आदि अशकाल, सीन की आदि अशकाल, शीन की आदि अशकाल, स्वाद की आदि अशकाल, द्वाद की आदि अशकाल, आइन की आदि अशकाल, गैन की आदि अशकाल, पे की आदि अशकाल, काफ की आदि अशकाल, काफ की आदि अशकाल, गाफ की आदि अशकाल, लाम की आदि अशकाल, नीम की आदि अशकाल, नून की आदि अशकाल, हे की आदि अशकाल, ये की आदि अशकाल। ये आदि अशकाल थी। अब हम पढ़ेंगे बे, पे, ते, पूरे हुरूफ हैं ये, टे, से, जीम, चे, हे, खे, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, ऐन, वैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, हा, या, छोटिया। ये सिर्फ वही हुरूफ हैं जिनकी आदि अशकाल होती है। सिंपल सिर्फ ट्रेसिंग करनी है सफाई से बिल्कुल और पढ़ पढ़ के। इसी तरह पेज नंबर 14 भी सेम एज इट इज़ यही है। हुरूफ की आदि और मुकम्मल अशकाल पर हाथ फेरिए। हुरूफ की आदि और मुकम्मल अशकाल दी गई है पेज नंबर 14 पे। सिंपल आप लोगों को हाथ फेरना है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए ट्रेसिंग बिल्कुल। पेज नंबर 15 में है सही आदि अशकाल के गिर्द दायरा बनाएं। यहाँ पे हुरूफ लिख के दिए हुए हैं, उसके आगे जो है आदि अशकाल बना दी गई है। जो हुरूफ की आदि अशकाल सही है उस पे जो है वो दायरा बनाना है। ये बात आप लोगों को पहले भी बताई जा चुकी है कि हुरूफ को अगर हम आधा कर देते हैं तो उसकी आदि अशकाल हो जाती है। अब जैसे ये हमारे पास कौन सा हुरूफ है, बे। अगर हम बे को आधा कर देंगे, ये है बे। अब ये देखिए, हम बे को आधा कर देंगे। अब देखिए सेम एज इट इज, इसमें से कौन सा आ रहा है, ये वाला। ये है बे की आदि अशकाल, इसकी गिर्द हम बना देंगे दायरा। इसी तरह हमारे पास ऐन है, ऐन को हम आधा करेंगे। ये देखें, ऐन को हमने आधा कर दिया। अब इसमें से हम देखेंगे कि कौन सा मिलता जुलता आ रहा है, ये देखें, ये वाला। इसके गिर्द दायरा बना देंगे, ये हो गई ऐन की आदि अशकाल। अब देखें हमारे पास ये क्या है, फे। अब देखें, फे को मैंने आधा कर दिया। अब इसमें से देखेंगे कौन सा मिलता जुलता आ रहा है, ये देखें, ये वाला। इसके गिर्द दायरा बना देंगे, ये हो गई फे की आदि अशकाल। फे के बाद है चे, चे को आधा कर देंगे। अब देखेंगे इससे मिलता जुलता कौन सा आ रहा है, ये देखें, ये चे के नीचे तीन नुक्ते, इसके गिर्द दायरा बना देंगे, ये हो जाएगी चे की आदि अशकाल। इसके बाद चे के बाद है काफ। अब काफ को मैंने आधा कर दिया। अब इसमें से देखेंगे काफ की इस जैसी अशकाल किसकी आ रही है, ये देखें, ये वाला एक जैसा है। इसके गिर्द दायरा बना देंगे, ये है काफ की आदि अशकाल। काफ के बाद है मीम। मीम को आधा कर दिया ये मैंने। अब देखेंगे इसमें से इन तीनों में से कौन सी जो है वो अशकाल जो है वो मीम की तरह लग रही है, देखें, ये वाली। इसके गिर्द दायरा बना देंगे। मीम के बाद है नून। नून को मैंने आधा कर दिया। अब देखेंगे इन तीनों में से कौन सी नून की आदि अशकाल आ रही है, ये देखें, ये वाली सेम एज इट इज ऐसे ही लग रही है आदि अशकाल नून की। इसके ऊपर सर्कल कर देंगे। उसके बाद है काफ। काफ की आदि अशकाल के लिए भी हम काफ को आधा करेंगे और फिर देखेंगे इन तीनों में से कौन सी जो है वो इससे मिल रही है, ये देखें, तीनों में से काफ के ऊपर दो नुक्ते होते हैं, यही काफ की आदि अशकाल है।
इसी तरह हमारे पास नीचे गाफ है, गाफ के ऊपर दो डंडे, गाफ की आदिशकाल देखें सेम एज इट इज कौन सी लग रही है, ये वाली, इसके ऊपर हम दायरा बना देंगे, ये गाफ की आदिशकाल है। उसके बाद है टे, टे को हमने आधा किया, इसमें टे की कौन सी लग रही है, ये वाली देखें सेम एज इट इज, ये हमने टे के गिर्द दायरा बना दिया, ये हो गई टे की आदिशकाल। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16 पे भी सेम एज इट इज आधे हुरूफ रह गए थे वो हैं। उसके बाद है सीन की आदिशकाल को हमें सर्कल करना है, सीन को हमने आधा कर दिया, अब इसमें से देखेंगे सीन की आदिशकाल कौन सी है, ये देखें ये वाली है सीन की आदिशकाल, इस पे हमने सर्कल कर दिया। सीन के बाद द्वाद, द्वाद को हमने आधा कर दिया, अब इन तीनों में से देखेंगे कौन सा सेम आ रहा है, ये देखें ये वाला, ये द्वाद की आदिशकाल हो गई। द्वाद के बाद शीन है, शीन को आधा कर देंगे, शीन की आदिशकाल इनमें से देखेंगे कौन सी है, ये देखें ऐसी शीन की आदिशकाल आ रही है इसके जैसे, इसके ऊपर दायरा बना देंगे, ये हो गई शीन की आदिशकाल। शीन के बाद है लाम, लाम को हमने आधा कर दिया, अब देखेंगे इन तीनों में से कौन सा लाम आ रहा है, देखें ये वाला सेम आ रहा है, इस पे दायरा बना देंगे, ये हो जाएगी लाम की आदिशकाल। उसके बाद हे की आदिशकाल पे दायरा बनाना है तो हम हे को आधा कर देंगे, लेकिन ये आधा करने से हे नहीं होती, हे की आदिशकाल ऐसे होती है, हे के नीचे कॉमा होता है, नुक्ते नहीं होते, तो ये हे की आदिशकाल है, हे को आधा करने से हे की आदिशकाल नहीं बनती, हे के नीचे जो है वो एक कॉमा सा होता है और ये हे कहलाता है। इसी तरह छोटिए को भी आधा करने से, छोटिए को भी आधा करने से आदिशकाल नहीं बनती, छोटिए की आदिशकाल ये होती है, ये के नीचे दो नुक्ते होते हैं, और बड़िए की भी आदिशकाल यही होती है। उसके बाद है जीम, जीम, जीम को हम आधा कर देंगे, जीम की आदिशकाल अब देखेंगे इन तीनों में से कौन सी है, ये देखें ये वाली, जीम पे हमने दायरा बना दिया। ये हो गया आप लोगों का पेज नंबर 16 तक का होमवर्क, क्लास जूनियर आप लोगों का होमवर्क पेज नंबर 16 तक है, नीट एंड क्लीन वर्क करना है और साथ साथ पढ़ना भी है कि आप लोगों ने क्या काम किया है, हुरफ़े तहज्जी और हुरफ़े तहज्जी की आदिशकाल का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ताकि आप लोग आगे फिर इसकी सीख ही मदद से हुरूफ जो है वो जोड़ और तोड़ सकें।